मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर्स एट शिल्क रोड फ्रॉम पेज नंबर सेवेंटी एट एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ फोर ग्रेट इंडियन रिवर्स द इंडस द गंगा द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र जो प्राचीन हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है कॉस्मोलॉजी मीन्स क्या साइंस ऑफ द यूनिवर्स इन ऑल इट्स पार्ट्स ब्रह्मांड विज्ञान वो पिन पॉइंट्स पिन पॉइंट्स मीन के डिस्क्राइब एग्जैक्टली ठीक से बताती है कि जो मानसरोवर है वो सोर्स है चार महान भारतीय नदियों का आ, सिंधु गंगा सतलुज और ब्रह्मपुत्र का एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक वास्तव में जो सतलुज है वो इस लेक से इस झील से बहती है निकलती है बट द हेडवाटर्स ऑफ द अदर्स हेडवाटर्स मींस के ओरिजिनोत परंतु जो दूसरी नदियों का स्त्रोत है ओर राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंग्स ऑफ द माउंट कैलाश फ्लैंग्स मीन्स के साइड्स वो जो माउंट कैलाश है कैलाश पर्वत है उसके साइडों में से ही उनके स्त्रोत हैं वहीं से वो भी निकलती हैं वी वार विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस फॉर द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फोर्ज अहेड हम बिल्कुल नज़दीक पहुंचे हुए थे जो दूरी थी वो बहुत कम थी महान कैलाश पर्वत से हमारी और मैं बहुत ही उत्सुक था आगे बढ़ने का फोर्ज मीस कैन मूव आगे बढ़ने का बहुत उत्सुक था बट आई हैड टू वेट परंतु मुझे इंतजार करना पड़ा था टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफ़े सैतन ने मुझे कहा था कि मैं जाऊं और चाय लूँ जो होर का अकेला कैफे था कैफ़े क्या? कॉफ़ी हाउस वहाँ पर मैं चाय ले लूँ ऐसा मुझे सैतन के द्वारा कहा गया था लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन कि ये जो कैफे की बिल्डिंग थी ये भी जो दूसरी बिल्डिंग्स है टाउन में उन्हीं की तरह से थी वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बेडली पेंटेड कंक्रीट जो कि बनाई गई थी कंस्ट्रक्ट की गई थी आ, बुरी तरह से पेंट किए गए कंक्रीट से कंक्रीट में क्या ऑफ स्टोन एंड सीमेंट कंकड़ पत्थरों से सीमेंट से जिसको बनाया गया था एंड हैड थ्री ब्रोकन विंडोज और इसके तीन टूटी हुई खिड़कियां भी थी द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्राक्ट और जो अच्छा दृश्य था झील का उन खिड़कियों में से एक में से वो क्या कर रहा था कंपनसेट कर रहा था अक्सती पूर्ति कर रहा था मीन्स टू मेक अप फॉर या टू काउंटर बैलेंस कि वो आ, बैलेंस स्थापित कर रहा था फॉर द ड्रोट ड्रोट मींस ड्राई स्पेल जो सूखी जगह थी उसकी आई वॉज सर्व बाई ए चाइनीज यूथ इन मिल्ट्री यूनिफॉर्म हु ग्रीस अराउंड ऑन माई टेबल और मुझे चाय दी गई एक चाइनीज युवा के द्वारा जो कि मिलिट्री यूनिफॉर्म में था सेना की ड्रेस में था और जिसने की जो ग्रीस थी जो चिपचिपा पदार्थ था स्टिकी सब्सटेंस था वो आ, फैला दिया था मेरी टेबल के ऊपर मेरे सामने फिल्दी मीन्स क्या है डर्टी रैग मीन्स क्या होता है टोन क्लोथ फटे कपड़े से चिथड़े से ग्रीस को मेरी टेबल के ऊपर फैला दिया था बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड ए थर्मस ऑफ डी एक ग्लास और चाय का थर्मस लाने से पहले हाफ एन आवर लेटर सैतन रिलिव मी फ्रॉम माई सॉलिटरी कन्फाइनमेंट आधे घंटे बाद सैतन ने मुझे आज़ाद कराया रिलेव्ड मीन्स क्या गेव फ्रीडम शैतन ने मुझे आज़ाद कराया मेरी एकाकीपन की जो कन्फाइनमेंट थी इम्प्रिज़नमेंट थी जेल थी सजा थी उससे एंड वी ड्रो पास ए लोट मोर रॉक्स और अब हम आगे बढ़े ड्राइव की बहुत सारे चट्टानों को पीछे छोड़ते हुए एंड रबिश और गंदगी को रिफ्यूज को रबिश को पीछे छोड़ते हुए वेस्ट आउट ऑफ टाउन वेस्ट की तरफ कस्बे से बाहर टुअार्ड्स माउंट कैलाश माउंट कैलाश की तरफ माई एक्सपीरियंस इन होर केम एज ए स्टार कंट्रास्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था अनुभव था होर uh, में वो एक स्टार्क स्टार्क क्या कंप्लीट पूर्ण अपोजिट था टू अकाउंट्स आई हैड रीड आई हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर्स जो वर्णन अकाउंट्स मीन्स के डिस्क्रिप्शन जो वर्णन मैंने पढ़े थे पहले के जो ट्रेवलर्स थे उनके लिखे गए उनकी बातें पढ़ी थी उनसे मेरा एक्सपीरियंस मेरा अनुभव बिल्कुल अलग था फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर सबसे पहले तो जो आमना सामना हुआ या देखा विजिट की मानसरोवर लेक की वहीं से अपोजिट हो गया था मेरा अनुभव अक्काई कवागुची ए जैपनीज मॉन्क अक्काई कवागुची जो कि एक जापानी साधु थे हु हैड अराइव देयर इन 1900, जो कि मानसरोवर झील पर पहुंचे थे 1900 में वो मूड बाय द सेंटिटी ऑफ द लेक वो इतने हिल गए थे इतने आहत हुए थे जो सेंटिटी है सेंटिटी मीन्स क्या है प्योरिटी जो पवित्रता है इस स्रोवर लेक की उससे बहुत अधिक आहत हो गए थे That he burst into tears कि वो रो पड़े थे। लेटर और कुछ सालों बाद क्या प्यिफाइड शुद्ध किया गया जो पानी था उसका समान प्रभाव हुआ ओन स्वेन एवेन हेडिन के ऊपर जो कि एक स्वीडन निवासी था हु टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट प्रोन क्या इनक्लाइट कि जो कि जिसका झुकाव नहीं हुआ था सेंटिमेंटल की तरफ इमोशनल भावक रूप से वह नहीं फूट पड़ा था उसका विस्फोट नहीं हुआ था इट वॉज डार्क बाय द टाइम वी फाइनली लेफ्ट अगेन और यह अंधेरा हो गया था जिस समय तक हम दोबारा से चले थे एंड आफ्टर टेन थर्टी पी एम और रात्रि के साढ़े दस बजने के बाद वी ड्रू अप आउटसाइड ए गेस्ट हाउस हम पहुंच गए थे एक गेस्ट हाउस के बाहर इन डार्चन डार्चन में फोर वन आउट टू बी अनोदर ट्रबल्ड अगेन जो कि एक और मुसीबत सॉरी ट्रबल्ड नाइट जो कि एक दूसरी मुसीबत भरी रात्रि थी किकिंग अराउंड इन द ओपन एयर रबिश डम की जो खुली हवा में रबीस डम्प थे कचरे के ढेर थे कचरा डाला गया था उसको देखते हुए दैट पास्ट फॉर द टाउन ऑफ होर हेडसेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर जो कि जब हम होर कस्बे से बाहर निकले थे वहीं से ये सब देखा था दोबारा से जो मेरा कोल्ड था एक बार फिर से आ गया था दो इफ ट्रूथ बी टोल्ड इट हैड नेवर क्वाइट डिसअपेयर यदि यदि सच्चाई कही जाए बताई जाए तो ये बिल्कुल भी डिसअपियर नहीं हुए थे विद माई हर्बल टी मेरी जो हर्बल चाय थी मैंने जो मसालों वाली हर्बल चाय पी थी उसे उस लेकर के अभी भी वो चीज़ें मेरे सामने आ रही थी वन ऑफ माई नोस्टेल्स वॉज ब्लॉक्ड अगेन मेरा एक नाक फिर से बंद हो गया था एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप और जब मैं सोने के लिए लेटा आई वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट द अदर वुड प्रोवाइड मी विद सफिसट ऑक्सीजन मेरे को इतना विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई दूसरा मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन है वो दे पाएगा माई वॉच दूसरा क्या जो नाक था उससे एक नाक बंद हो गया था दूसरी नाक से पर्याप्त सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी माई वॉच टोल्ड मी आई वॉज एट फोर हंड्रेड फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी मीटर्स मेरी घड़ी में मैंने देखा कि मैं चार हजार सात सौ साठ मीटर की ऊंचाई पर था इट वॉज नॉट मच हाइयर देन राउ ये राव से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था एंड देयर आई हैड बीन गास्पिंग फॉर ऑक्सीजन और वहाँ पर मैं ऑक्सीजन के लिए हाफ uh, रहा था गास्पिंग मींस क्या रुक रुक करके सांस लेना हाफना सेवरल टाइम्स एवरी नाइट कई बार प्रत्येक रात्रि ऐसा हुआ मेरे साथ आई हैड ग्रोन अकस्टम्ड टू दीज नोकटर्नल डिस्टर्बेंसिस बाय नाउ और मैं अकस्टम्ड हो गया था हेबिचल हो गया था आदि हो गया था जो ये नोकटर्नल नोकट्रनल मींस क्या है ऑफ द नाइट रात्रि की जो ये डिस्टर्बेंस थी आ, सो नहीं पाना था नाक बंद हो जाना था इससे बट दे स्टिल मी परंतु ये चीजें अभी भी मुझे डरा रही थी मी स्केडमी मेड फियर डराती थी टायर्ड एंड हगरी आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रो माई माउथ थका हुआ और भूखा मैंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू किया आफ्टर वाइल आई स्विच टू सिंगल नोस्टेल पावर विच सीम्ड टू बी एडमिटिंग enough oxygen. कुछ समय बाद I switched to switch means क्या है changed to बदल दिया मैंने बदल दिया जो एक नाक था उसकी पावर को विथ सिम टू बी एडमिटिंग ऐसे लग रहा था जैसे कि वो पर्याप्त ऑक्सीजन एडमिट कर पा रहा था बट जस्ट एज आई वॉज़ ड्रिफ्टिंग ऑफ परंतु जैसे ही ड्रिफ्टिंग ऑफ मींस बींग स्वेप्ट बहते हुए कि जो नाक था वो बहते हुए था आई वोक अप्रप्टली मैं आ, अचानक जग गया समथिंग वॉज रॉन्ग कुछ तो गलत था माई चेस्ट फेल्ट मेरी छाती में महसूस हुआ माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप मेरी छाती में अजीब तरह का भारीपन लगा और मैं बैठ गया ए मोमेंट दैट क्लियर माई नेचर पास ऑलमोस्ट इन इंस्टेंटली और एक गतिविधि से मैंने आ, जो नाक था नासिका मार्ग है उसको मैंने क्या किया क्लियर किया खोला साफ़ किया ऑलमोस्ट इंस्टेंटली लगभग जल्दी से इंस्टेंटली मीन्स क्या है एटवान्स एंड रिलीव्ड दैट फीलिंग इन माई चेस्ट और मैं कंफर्टेबल uh, महसूस कर रहा था रिलीक महसूस कर रहा था मेरी छाती में क्यूरियस आई थूट अजीब बात थी मैंने सोचा आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन मैं वापस लेट गया दोबारा से कोशिश की सेम रिजल्ट वही परिणाम निकला आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपेयरिंग और इन टू द लैंड ऑफ नॉट और मैं ऐसी स्थिति में था कि मैं बिल्कुल इस पॉइंट पर था लैंड ऑफ नोट नोट मीस क्या टू लेट योर हेड फॉल फॉरवर्ड वेन यू आर स्लीपिंग नींद में आने से आगे सिर्फ झपकता जब 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 है झपकी आती है इस तरह से मेरी स्थिति हो गई थी नींद आ रही थी पर सो नहीं पा रहा था बैठते ही गर्दन गिर रही थी झपकिया ले रहा था ये सब हो रहा था इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगेन और यह दोबारा से वही आपातकालीन इमरजेंसी मीन्स क्या है आपातकालीन अचानक डेंजर सिचुएशन में जो महसूस करना था इम्पल्सिस मीन्स क्या है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो भावनाएं थी इम्पल्स थी वो महसूस हो रही थी दोबारा से बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स परंतु यह वैसा नहीं था जैसे कि पहले अवसर, अवसरों पर हुआ था दिस टाइम आई वॉज नॉट गास्पिंग फॉर ब्रेथ इस बार मैं सांस लेने के लिए हाफ नहीं रहा था आई वज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप केवल मैं सो नहीं पा रहा था सीटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली और मैं बैठ गया था दोबारा से फटाफट एटवान्स मेड मी फील बेटर और ऐसे बैठने से मुझे अच्छा महसूस हो रहा था आई कुड ब्रीद फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन मैं Uh, आसानी से सांस ले पा रहा था और मेरी छाती में भी महसूस हो रहा था आराम अच्छा लग रहा था बट एज एस एज आई ले डाउन परंतु जैसे ही मैं लेटता था माई साइनस साइनसिस मीन्स क्या है सिरानाल नारिया एम टी बोन्स ऑफ हेड कनेक्टेड टू द इनसाइड ऑफ द नोज सिरानाल नारिया थी फिल्ड माई चेस्ट वॉज आउट जो कि लग रहा था कि वो वो मेरी छाती को फिल्ड कर रही थी आ, ये अजीब बात थी आई ट्राइड प्रोपिंग माई सेल्फ अपसाइड अपराइट अगेंस्ट द वॉल प्रोपिंग मीन्स क्या सीटिंग विद द हेल्प ऑफ समथिंग किसी चीज़ का सहारा लेकर के बैठना मैंने कोशिश की कि मैं दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाऊँ सीधे बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ परंतु मैं ये मैनेज नहीं कर पाया था आराम से नहीं रह पाया था सीधे नहीं बैठ पाया था कंट्रोल नहीं कर पा रहा था आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन और मैं अपनी जो फिंगर थी वो भी उस कांड पर नहीं रख रह पा रहा था बट आई वॉज़ अफ्रेड टू गो टू स्लीप परंतु मैं मुझे डर था कि मैं सो पाऊंगा कि नहीं ए लिटल वॉइस इन साइड मी वॉज दैट इफ आई हैड आई आई डिड आई माइट नेवर वेक अप अगेन परंतु मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी यदि मैं सोया तो मैं दोबारा कभी नहीं उठ पाऊंगा आई स्टेड अवे कॉल नाइट इसलिए मैं पूरी रात्रि जगा रहा टुक मी टू द दा डारचंद मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग अगली सुबह सैतन मुझे लेकर के गया डारचंद का जो मेडिकल कॉलेज था वहाँ पर द मेडिकल कॉलेज एट डार्चन वॉज न्यू जो मेडिकल कॉलेज था डारचंद में वो नया था एंड लुकड लाइक ए मोनेस्ट्री फ्रॉम आउटसाइड और बाहर से ये बिल्कुल एक मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री क्या कहता है मठ ए बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव एक ऐसा भवन जिसमें साधु सन्यासी रहते हैं मठ उस तरह की भवन ये नजर आ रहा था बाहर से देखने पर विद ए वेरी सोलिड डोर जिसका दरवाजा बहुत ही सोलिड था स्ट्रोंग था मजबूत था दैट लेड इनटू टू ए लार्ज कोर्ट जो कि दरवाजा कहाँ पहुंचता था एक बड़े आंगन में वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क अब हम कंसल्टिंग रूम में पहुँच गए थे जो कि अंधेरा था एंड कोल्ड ठंड थी वहाँ पर एंड ऑक्युपाइड बाई ए तिब्बतन डॉक्टर और वहाँ पर बैठे हुए थे एक तिब्बती डॉक्टर थे हु नान ऑफ द पैराफर्नेलिया दैट आई हैड बिन एक्सपेक्टिंग पैराफर्नेलिया मीन्स क्या है इक्विपमेंट्स जिसने कोई भी डॉक्टर का साजो सामान नहीं लिया हुआ था जैसा कि मैंने उम्मीद की थी नो वाइट कोट कोई व्हाइट कोट नहीं था ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतन विद ए थिक प्लोवर व दूसरे तिब्बतियों जैसा ही दिख रहा था एक बहुत ही मोटे प्लोवर के साथ प्लोवर में क्या था स्वेटर एक मोटी सी स्वेटर जर्सी उसने पहनी हुई थी एंड ए वुली हैट और एक ऊन की टोपी पहनी हुई थी मैंने ये एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स सिम्टम्स मीज क्या है लक्षण साइंस फीचर्स और जब मैंने अपने जो स्लीपलेस के बेचैनी के नींद नहीं आने के जो लक्षण थे वो बताए एंड माई सडन एवर्जन टू लइंग डाउन एवर्जन में इस क्या है हेटर्ड फोर अनविलिंगनेस की लेटने में भी अनिच्छा थी इच्छा नहीं हो रही थी वो सब बताया ही शॉर्ट में ए फ्यू क्वेश्चन उसने मेरे से कुछ पर्सन पूछे वाइल फीलिंग द वेंस इन माई रिस्ट जब वह जो नाड़ियाँ थी नब्स थी वो देख रहा था आ, मेरी क्लाई पर तब उसने मेरे से कुछ प्रश्न पूछे इट्स ए कोल्ड यह ठंड थी जुकाम था ही सेट फाइनली थ्रो शैतन उसने आखिरकार शैतन के माध्यम से बताया ए कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ठंड जुकाम और ऊंचाई uh, का प्रभाव आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट और उसने कहा कि मैं इसके लिए तुम्हें कुछ दे दूँगा आई आस्ट हिम इफ ही थोट आई वुड रिकवर इनफ टू बी एबल टू डू द कोरा और मैंने उससे पूछ लिया कि क्या मैं इतना ठीक हो जाऊँगा कि मैं जो कोरा है जो रिलीजियस uh, राउंड है परिक्रमा है वो कर पाऊंगा ओ यस ही सेड यू विल बी फाइन अरे हाँ उसने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी I walked out of the medical college. मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आ गया क्लचिंग ए ब्राउन एनवेलप और मैं मेरे हाथ में एक भूरे रंग का एनवेलप था क्लचिंग मीन्स क्या होल्डिंग टाइटली पकड़े हुए स्टफ्ड विथ फिफ्टीन स्क्रूज ऑफ पेपर्स जिसमें क्या था फिफ्टीन स्क्रूज स्क्रूज मीन्स क्या कहेंगे छोटी चुट छोटी पुड़ियाँ थी Uh, पंद्रह छोटी चुट छोटी पुड़िया थी पेपर की आई हैड ए फाइव डे कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसन मुझे पाँच दिन का कोर्स मिला था तिब्बतन uh, दवा का मेडिसन का पाँच दिन की खुराक उसने दी थी ये हम कह सकते हैं जो कि तिब्बतन मेडिसन थी विच आई स्टार्टेड राइट अवे जो कि मुझे उसी समय शुरू करनी थी आई ओपन एन आफ्टर ब्रेकफास्ट आ, मैंने इसे ओपन किया ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेंट ए ब्राउन पाउडर और जो ब्रेकफास्ट के टाइम लेने की दवा थी आ, उसमें मैंने पाया कि भूरे रंग का पाउडर था दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर जो कि मुझे लेना था गर्म पानी के साथ आई टेस्टेड जस्ट लाइक सिनामोन और जो मैंने इसे चस... चखा तो ये बिल्कुल सिनामोन सिनामोन क्या होता है दालचीनी एक स्पाइस होता है मसाला होता है बिल्कुल उसके जैसा टेस्ट था द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेजेज वर लेस ऑबियसली आइडेंटिफेबल और जो कंटेंट जो पुड़िया थी जो दवा थी जो थिंक थी आ, लंच के लिए रात्रि के लिए जो पैकेज थे वो वर लेस ओब्वियसली ओब्वियसली मीन्स क्या क्लियरली वो कम स्पष्ट थे कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए पहचाना जाए मीन्स वो मैं नहीं पहचान पाया था बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स दोनों में आ, दोनों पैकेट्स में छोटे छोटे स्फेरिकल स्फेरिकल मीन्स क्या है राउंड गोल छोटी छोटी टेबलेट्स थी पैलेट्स मीन्स क्या टैबलेट्स छोटी छोटी गोलियाँ थी दाने थे छोटे छोटे गोल जो कि मेरी पहचान से बाहर थे जिनको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था दे लुक सस्पिशियसली लाइक शिप डंग और वो ऐसे दिखते थे सस्पिशियसली डाउटफुली संदेह पूर्वक ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो क्या थे शिप uh, डंग, जो भेड़ का डंग है गोबर है वेस्ट है उसकी तरह से मल की तरह से दिख रहे थे बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम परंतु वास्तव में मैंने वो खाए दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स उस रात्रि मेरे पूरे दिन की दवा लेने के बाद आई स्लेप्ट वेरी साउंडली मैं बहुत आराम से सोया लाइक ए लोग नोटेड डेड मैन एक लोग की तरह से एक जीवित इंसान की तरह से एक मरे हुए इंसान की तरह से नहीं स्टूडेंट्स uh, आज के लिए इतना ही वी हैव डिस्कस टिल पेज नंबर सेवेंटी नाइन आई होप इट इज़ क्लियर टू यू थैंक यू